मैं आप सबका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े भारी मन से एक कड़ा फैसला लिया, जिस फैसले को उत्तर प्रदेश की जनता और राजग गठबंधन के साथी भाजपा का नीचे से लेकर ऊपर तक का नेतृत्व लंबे अरसे से जिस फैसले के लिए अनेक बार मन बना चुका था, लेकिन चूंकि हम लोग समस्त वर्ग का, सभी समाज का सम्मान रखते हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों का हमारी सरकार ने राज्य में, केंद्र में पूरा ध्यान रखा और पिछड़े वर्ग के एक महत्वपूर्ण तबके राजभर समाज का निरंतर पार्टी उनकी भलाई, उनकी बेहतरी के काम कर रही है, सरकार उनकी भलाई और बेहतरी के काम केंद्र की योजनाओं में, राज्य की योजनाओं में कर रही है। इस नाते उसे तकलीफ न हो, इस नाते उत्तर प्रदेश के बदजुबान, निरंतर अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले और मंत्रिपरिषद की मर्यादा को सड़क चौराहे पर तार तार करने वाले श्री ओम प्रकाश राजभर को लंबे अरसे तक सहन किया गया, लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। जब वो इस स्तर पर मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोलना, सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करना, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अपने कैंडिडेट द्वार के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, और सीमा तब हद दर्दे की उनकी गिर गई जब उन्होंने अपने एक प्रत्याशी के पक्ष में, उनका हक है, बोलते समर्थन में जनता से अपील करते, लेकिन गाली गलौज, फुहड़ से फुहड़ गालियां उन्होंने देनी शुरू की अपनी दो दिन की पूर्व चुनाव सभा में, जिस पर मजबूरी में कानून की धाराओं में मऊ के हलधरपुर थाने में उनके पर रिपोर्ट भी दर्ज करनी पड़ी। इन सारी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी उनके इस कदम का स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त, मेरे माध्यम से समस्त कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना करते हैं और मुख्यमंत्री जी के फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण कार्यकर्ता यह भरोसा देते हैं कि राजभर समाज का सम्मान, उनके हक हकूक का ध्यान जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुहेल देव नाम के नाम पर ट्रेन चला करके राजभर समाज के अगुआ प्रेरक पुरुष सुहेल देव महाराज सुहेल देव राजभर जी के नाम पर डाक टिकट जारी करके जो सम्मान किया है, और भी सम्मान के जो कदम है वो हमारी पार्टी और हमारी सरकारें करती रहेगी। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और उनके साथ हम सब नीचे समाज को एक बार पुनः भरोसा देते हैं। और साथ ही आपको जानकारी दूं, हमने राज्यसभा में सकलदीप राजभर को स्थान दिया, हरिनारायण राजभर को चुनाव लड़ाया गया, अनिल राजभर जी युवा नेता को मंत्रिपरिषद में सम्मानजनक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का स्थान दिया गया, और राजभर समाज के हकों को ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वह फैसला है श्री अनिल राजभर जी को, इनको आमतौर पर जब कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य हटाया जाता है तो वह विभाग मुख्यमंत्री के पास थोड़े दिन रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा कदम उठाया राजभर समाज को सम्मान देने के लिए। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग कल्याण विभाग का जो दायित्व अब तक श्री ओम प्रकाश राजभर के पास था, वह दायित्व अब स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्रीमान अनिल राजभर के जिम्मे लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का भी भारतीय जनता पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। देखिए, इसमें चुनाव खत्म होने का कोई विषय नहीं है, विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सारे दुनिया को मालूम है कि केंद्र के स्तर पर जो गठबंधन था उसमें उत्तर प्रदेश में केवल अपना दल सोने लाल से मात्र हमारा गठबंधन था। ये राज्य स्तर पर हमारे सहयोगी दल थे,
फिर भी एक बड़े भाई की भूमिका में हम लोग इन्हें एक सीट दे भी रहे थे लड़ने के लिए। हाँ, जीतने के आधार पर कि सीट जीते तो कमल चिन्ह पर ही जीत पाएंगे, हम चिन्ह का आग्रह रख रहे थे, जो कि इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन यह निर्णय तब लेना पड़ा है जब ये मर्यादाएं एकदम लांग गए, इस सीमा तक लांग गए कि दो दिन पहले इन्होंने हल्दरपुर थाने में अपनी जनसभा के अंदर मऊ जिले में कोई ऐसी गाली नहीं थी जो भाजपा नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री को, भाजपा के नेताओं को दिया। अमर्यादित शब्दों की प्रयोग इन्होंने दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री तक के लिए भी किया। इन सब नाते से इन पर विवश होकर आज एक कार्रवाई करनी पड़ी। आपने बड़े इस्तीफे देखे होंगे, ऐसा दिलचस्प इस्तीफा कभी सुना कि मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा गार्ड को इस्तीफा सौंपा दिया जाए, वो भी कंडीशनल? तो ऐसे विचित्र प्राणी से पाला पड़ा था। हम लोग सोच रहे थे बड़े भाई की भूमिका में भाजपा है कि आज नहीं तो कल यह व्यक्ति सुधर जाएगा, क्योंकि हम राजभर समाज के सम्मान का ख्याल कर रहे थे। लेकिन जब लगा कि अब सुधरने की गुंजाइश रंच मात्र भी नहीं है, बल्कि आदमी निरंतर अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, तब कदम उठाया गया। आज मायावती और अखिलेश यादव ने मुलाकात की है एग्जिट पोल आने के बाद, तो क्या वजह पड़ गई कि अब मायावती और अखिलेश एग्जिट पोल के रिजल्ट को ही देखते हैं? अखिलेश यादव खुद कहते हैं मायावती से मिले तो क्या लग रहा है कि अफरातफरी मच गई है क्या? निश्चित तौर से अफरातफरी होगी, और जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, जो माननीय अमित शाह जी ने कहा, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमने कहा 23 तारीख के बाद देखिए कितने अलंकारों का प्रयोग मायावती जी अखिलेश के लिए करेंगी, और अखिलेश कितने श्लेष अलंकार का प्रयोग मायावती जी के लिए करेंगे। शब्दों की प्रतीक्षा करिए, मैंने जो पहले कहा था कि मायावती अखिलेश को बबुआ बना के छोड़ेगी, वह 23 तारीख के बाद साबित होगा। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बात करें तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी थोड़ा नीचे कीजिए ना, चेहरा ले लीजिए आइए सामने। संतोष जी, तो अखिलेश जी का कहना है कि चेहरा अगर ऐसे सुख सुविधाएं अगर मिले तो मैं नीचे की में जाकर रहूंगा, और अगर सब कुछ सब नीचे की जाता है, सब कुछ त्याग के आदमी गुफा में जाता है, तो आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी है? अखिलेश जी को मैं एक सलाह दूंगा कि कुछ अपने पिता से सीखें, उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ से अपनी पार्टी खड़ी की थी। दूसरी सलाह दूंगा कि भारत संस्कृति सभ्यता और आध्यात्म का दुनिया का प्रेरक देश है। नरेंद्र मोदी की तपश्चर्या, उनके श्रद्धा भाव पर इस तरह टिप्पणी करने की जगह उससे शिक्षा ग्रहण करें, अभी लंबा जीवन है, उनके काम आएगा। अब दिग्विजय सिंह एक विलक्षण राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कब क्या चीज़ को मानते हैं, हो सकता है उनके आतंकवादी जो रिश्ते हैं उन्हें कुछ भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दावा किया है चुनाव खत्म होते ही कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, विधानसभा से बुलाया जाए। कोई गलत दावा नहीं है, बिल्कुल सही दावा है। मात्र 4 विधायकों के हेर फेर की सरकार है, और बीजेपी एक नैतिक पार्टी है। अगर बीजेपी चाहती तो केंद्र में हम सत्ता में थे, हम उस समय भी सरकार बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जनमत का सम्मान किया और आज भी हम जनमत का सम्मान करेंगे। हम कोई वहाँ तोड़फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, जनता की भलाई के लिए वहाँ के विधायक खुद पहल करते हैं, तो इस पर हमारा केंद्रित नेतृत्व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार जो उचित लगेगा वह निर्णय मध्य प्रदेश इकाई के आग्रह पर विचार करेगा। यह मामला मध्य प्रदेश इकाई और केंद्र सरकार के बीच का है। एग्जिट पोल जो आया है, सभी पार्टी का अलग कुछ अलग दिख रहा है। एग्जिट पोल जो आया है, सभी जितने एग्जिट पोल है सभी माइनस में इसको दिखा रहे हैं पिछली बार से, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? अभी 23 की मतगणना आ जाने दीजिए। एग्जिट पोल में 1-2 माइनस, शेष 5 ने जो है, किसी ने 55, किसी ने 65, किसी ने 62 दिखाया है। मेरा अब भी भरोसा है कि हम और योगी जी जो हम लोग दावा कर रहे हैं वह दावा 73+ हमारा वो दावा सार्थक रहेगा। क्योंकि जैसे उदाहरण के रूप में हमारा आकलन है अमेठी में हम जीतेंगे, हमारा आकलन आजमगढ़ में हम जीतेंगे, तो हमारा आकलन की प्रतीक्षा करिए। पिछड़ों ने हर चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी को सारे समाज के साथ मिल करके, पिछड़े वर्ग ने एकमुश्त मतदान करके अपना समर्थन, प्रेम, आशीर्वाद दिखाया है। उनको भरोसा है कि भाजपा, पिछड़ों के नेता भाजपा में एक से एक जिम्मेवार नेता हैं,
श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट जो 39 लड़े, 22 कायम रहे, उनके पड़े वोटों को गिन लीजिएगा तो ओम प्रकाश राजभर को खुद मालूम होगा कि पिछड़ों तो छोड़िए, राजभरों ने भी उनको तमाचा मारा है। एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं, एग्जिट पोल जो है जिसने 62-55-65 दिखाया है हम उनके इस रिपोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा अभी है कि हम उससे भी आगे जाएंगे।